हेलो फ्रेंड्स, द फूड टॉक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम एक बहुत बड़े फूड कंपनी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उस कंपनी के सक्सेस के पीछे की कहानी। दोस्तों, आपको फ्रेंच फ्राइज, बिग मैक और हैप्पी मील सुन के क्या याद आता है? सिर्फ एक नाम, और वो है मैकडॉनल्ड्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैकडॉनल्ड्स की और देखेंगे कि आखिर इस फूड एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस फूड स्टोरी को, कहानी मैकडॉनल्ड्स की। इस कहानी के तीन मुख्य किरदार हैं, रे क्रॉक और रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड्स, ये दो भाई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 में USA के सैन बर्नार्डिनो शहर से, जहां रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड इन दोनों भाइयों ने अपना हैमबर्गर का एक रेस्टोरेंट खोला था, जो कि एक ड्राइव इन मॉडल पे बेस्ड था, जहां लोगों को अपने अपने गाड़ियों में खाना परोसा जाता था। ड्राइव इन मॉडल उस समय अमेरिका में बहुत पॉपुलर था, पर इस रेस्टोरेंट में कुछ कमियां थी, जैसे बहुत बड़े स्टाफ को मेंटेन करना, खाना बनाने में लगने वाला समय और इन सब पे खर्च होने वाला पैसा, यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस। और इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए रिचर्ड मैकडॉनल्ड को एक दिन एक कल्पना सूझी। उन्होंने देखा कि उनके रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा सिर्फ तीन चीज़ें बिकती थी, वो थी फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो फिर उन्होंने सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया और अपने मेन्यू को कम कर दिया। उन्होंने खाना बनाने का समय कम करने के लिए फैक्ट्री जैसी प्रोडक्शन लाइन खड़ी कर दी, जहां एक टीम सिर्फ बर्गर के पैटीज को ग्रिल करती थी, दूसरी बर्गर को बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ असेंबल करती थी और तीसरी बर्गर को पैक करके लोगों को डिलीवर करती थी। और ऐसे ही बाकी के मेन्यू आइटम्स बनने लगे। इसे स्पीडी सर्विस सिस्टम भी कहा जाने लगा और इसी के चलते मैकडॉनल्ड्स अब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया था। और इन सब के दौरान मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने मिल्कशेक बनाने वाले 8 मल्टी मिक्सर्स की ऑर्डर रे क्रॉक इस इंसान को दी। उस समय रे क्रॉक इन्हीं मिक्सर के व्यापार का काम कर रहे थे, जो कि उस समय कुछ ठंडा चल रहा था। जी हाँ, ये यही रे क्रॉक है जिन्होंने आगे जाके मैकडॉनल्ड्स को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। तो अचानक आए इस बड़े ऑर्डर को देखते हुए रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को मिलने की इच्छा जताई और 1954 में पहली बार मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट को भेंट दी और वहाँ का वातावरण देख कर चकित रह गए। उनको वहाँ की काम करने की अनोखी सिस्टम बेहद पसंद आई और उन्होंने तुरंत ही रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड को फ्रेंचाइजी की ऑफर दी और 1955 में अपना पहला फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट इलिनॉय स्टेट के देस प्लेन्स इस शहर में खोला। रे क्रॉक इन्होंने आने वाले कुछ ही सालों में मैकडॉनल्ड्स की कई सारी फ्रेंचाइजी बेची और मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस बढ़ाया, पर हर फ्रेंचाइजी के पीछे मिलने वाले प्रॉफिट से वो बड़े नाखुश थे और जब भी वो रेस्टोरेंट में कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहते थे या फिर कुछ बदलाव लाना चाहते थे, तब हर बार उन्हें मैकडॉनल्ड ब्रदर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें कई बार बहुत समय लगता था। उन्होंने कई बार मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से इन मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। रे क्रॉक एक पक्के बिजनेसमैन थे, उन्हें मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस को और फैलाना था, पर रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड से हो रही इस अनबन से वो बड़े नाखुश थे। और इसी के चलते रे क्रॉक इन्होंने मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन इस नए कंपनी की शुरुआत की, जिसने आगे जाकर रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड से मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस खरीद लिया। अब मैकडॉनल्ड्स का पूरा बिजनेस रे क्रॉक इनका हो चुका था और इसके बाद शुरुआत के सिर्फ 10 ही सालों में मैकडॉनल्ड्स के पूरे यूएसए में 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस खुल चुके थे,
और ऐसे ही तेजी से बिजनेस आगे बढ़ने लगा, जिसके चलते कंपनी में ढेर सारे नए बदलाव आए। जैसे 1962 में मैकडॉनल्ड्स ने अपना बहुत फेमस एम वाला लोगो लॉन्च किया। 1963 में रोनाल्ड मैकडॉनल्ड इस जोकर की फिगर को भी लॉन्च किया, जो आगे जाके बहुत पॉपुलर हुई। और उसके बाद 1965 में मैकडॉनल्ड्स का शेयर मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुआ। और ऐसे ही आगे जाके मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू में भी बहुत सारे चेंजेस लाए। उन्होंने अपने मेन्यू में 1968 में बिग मैक, 1973 में एग मैक मफिन, 1979 में हैप्पी मील्स और 1983 में चिकन नगेट्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया। अब मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी की संख्या डोमेस्टिकली के साथ इंटरनेशनली भी बढ़ रही थी। 21वीं सदी के शुरुआत में पूरे दुनिया में मैकडॉनल्ड्स के 35,000 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी लोकेशंस खुल चुके थे। उस समय ऐसा कहा भी जाने लगा कि दुनिया में किसी जगह में हर 5 मिनट में एक नया मैकडॉनल्ड्स खुल रहा होगा। आज 100 से भी ज़्यादा देशों में मैकडॉनल्ड्स मौजूद है। और इसी प्रकार आज दुनिया में मैकडॉनल्ड्स एक बहुत बड़ी फास्ट फूड चेन है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मैकडॉनल्ड्स की। तो आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन जाने से पहले एक बोनस फैक्ट, क्या आपको पता है शुरुआत के दिनों में मैकडॉनल्ड्स की एक बर्गर की कीमत सिर्फ 15 सेंट हुआ करती थी? अगर नहीं तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल द फूड टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।